संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस की ओर से पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार तैनात करने की योजना है। इस दावे को रूस ने पूरी तरह खारिज कर दिया था, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार तैनात न करने पर प्रस्ताव रखा। रूस ने इस पर वीटो लगा दिया। रूस के इस फैसले से अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने रूस के इस कदम की कड़ी आलोचना की और रूस पर सवालों की बरसात कर दी। अमेरिका ने कहा कि पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार तैनात न करने का रूस का दावा कहीं गलत तो नहीं? क्या रूस कुछ छुपा तो नहीं रहा? क्योंकि अगर रूस ने पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार तैनात ना करने की बात कही है, तो फिर वो अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो क्यों लगा रहा है? संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने कहा कि अमेरिका रूस पर झूठे आरोप लगा रहा है। रूस जल्द ही अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से अपने स्वयं के मसौदा प्रस्ताव पर परिषद के सदस्यों के साथ बातचीत शुरू करेगा। इसके साथ ही रूस ने अमेरिका पर सवाल उठाते हुए कहा, हम सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में किसी भी तरह के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और जापान द्वारा प्रस्ताव किए गए मसौदे पर 13 वोट मिले। हालांकि चीन इस वोटिंग में शामिल नहीं था। इसके पक्ष में 7, विपक्ष में 7 और 1 अनुपस्थित वोटिंग पड़ी।